आपको बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की खबरें आती रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों की शादी की खबरें भी खूब आ रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने शादी की खबरों पर कोई कमेंट नहीं किया है। लेकिन अब दोनों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मुंबई से मिल रही खबरों के मुताबिक रणबीर ने आलिया के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है, जिसको लेकर अब आलिया और रणबीर की शादी की खबरें भी खूब आ रही हैं कि हो सकता है कि अगले साल ये दोनों शादी करेंगे। हालांकि इन दोनों के फैमिली के साइड से अभी कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है। दोनों के फैमिली वालों ने इस मैटर पे चुप्पी बांध रखी है। तो अब आपको बताते हैं कि आलिया के आउट ही वेडिंग प्लान के बारे में, तो आइए जानते हैं। 2020 में गली गर्ल यानी आलिया भट्ट रियल लाइफ वाली दुल्हनिया वाली फिल्म लेने वाली है। आज आपको बताएंगे कि आलिया ने अपनी वेडिंग डेस्टिनेशन कर ली है चूज। जी हाँ, आपको बता दें कि मिल रही खबरों के अनुसार आलिया कश्मीर के वादियों में करना चाहती है शादी। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर की वही खूबसूरत वादियाँ जहाँ फिल्म राजी की शूटिंग की थी, उन्हीं वादियों में आलिया का दिल जीत लिया है और अब आलिया ने कश्मीर में अपनी वेडिंग का मन बना लिया है। लेकिन क्या रणवीर पूरी कर पाएंगे आलिया की ये ख्वाहिश? साथ ही आपको बता दें कि ऋषि कपूर अपने लाडले की शादी टिपिकल पंजाबी स्टाइल में करना चाहते हैं और आलिया की शादी मुंबई ही करवाने के फेवर में भी है। खबरें ये भी थी कि आलिया विराट और अनुष्का की तरह अपनी शादी फॉरेन लोकेशन में भी कर सकते हैं। आलिया किसी फ्रांस के किसी खूबसूरत शहर में एक दूसरे के हो सकते हैं। हालांकि रणवीर के मॉम और डैड विदेशी लोकेशन के फेवर में नहीं थे। उसके बाद गोवा के बीच और जोधपुर के आलिशान बंगले पे भी किया गया था सोच विचार। लेकिन आपको बता दें कि आलिया को तो भाग गया था द लेक, बर्फ, हरे भरे पेड़ और चनाब। अब देखना ये होगा कि आलिया की वादियों में शादी के सपने को क्या पूरा कर पाएंगे सावरिया। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।